हेलो एवरीवन, वेलकम टू मौसमीज वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा इस हेल्दी सा केक का रेसिपी। और इस केक में मैंने वही सब डाला है जो एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट में होना चाहिए। इसमें मैंने वही सब इंग्रेडिएंट्स यूज किया है जिसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल सब कुछ हो। सबसे पहले मैंने 5 पका हुआ बनाना ले लिया। बनाना आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। हम सभी को पता है कि बनाना में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। अभी मैं मैश किया हुआ बनाना में 2 कप ओट्स डाल दूंगी। ये छोटा वाला कप से मैंने 2 कप डाल दिया था। और ओट्स में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर होने के वजह से हेल्थ के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है। फिर मैं इसमें डालूंगी ये छोटा वाला कप से 1 कप हनी, जो शहद होता है। व्हाइट शुगर की जगह मैं हनी यूज करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स होता है। इसी छोटा वाला कप से मैं इसमें 1 कप आटा मिला दूंगी। और मैं केक्स में मैदा के जगह होल व्हीट आटा यूज करती हूँ। अगर आप आटा नहीं खाते हैं तो अपना पसंद का कोई भी मिलेट्स मिला सकते हैं। और अभी 1/4 कप ऑयल, रिफाइंड ऑयल मिक्स करूंगी। आप रिफाइंड ऑयल के जगह घी या बटर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं घी में बनाऊंगी। घर का बनाया हुआ घी हो तो और भी अच्छा है, घी में भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है। अभी मैं 1 ग्लास हल्का गर्म दूध में 1 टीस्पून विनेगर मिला दूंगी। विनेगर मिलाते ही ये दूध हल्का सा कर्डल हो जाएगा और इसी से मैं केक का बैटर को स्मूथ बना लूंगी। आप दूध के जगह 2 या 3 अंडा भी यूज कर सकते हैं। मैंने दूध यूज किया है ताकि वेजिटेरियन लोग भी ये रेसिपी फॉलो कर सके। इसके बाद आप इस बैटर में मिला दीजिएगा कोको पाउडर अपने हिसाब से चॉकलेटी फ्लेवर के लिए। फिर मैं मिलाऊंगी इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। फिर जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इससे केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अभी आप इसमें अपना पसंद का सभी ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिएगा। मेरे पास एक क्रैनबेरी का पैकेट लाया हुआ था तो ये क्रैनबेरीज भी मैं मिला दूंगी। ये मुझे बहुत ही पसंद है इसलिए और थोड़ा मिला देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स इस केक में जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा टेस्टी भी होता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी। और अभी मैं इसमें मिलाऊंगी किशमिश या रेजिन, ये मैंने डाल दिया। और अभी बैटर में मिला दूंगी। इधर मैंने ये चॉपिंग बोर्ड में आलमंड्स और वॉलनट्स रखा है जिसको चॉप करके मिला दूंगी। और हम सभी को पता है आलमंड्स और वॉलनट्स हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और यही सब न्यूट्रिशन अगर ब्रेकफास्ट टाइम में 1 or 2 पीसेस ऑफ केक्स में मिल जाए और क्या चाहिए। अभी मैंने केक का मोल को चारों तरफ से ऑयल से कोटिंग करके इसमें होल व्हीट आटा स्प्रिंकल कर दिया ताकि केक चिपके नहीं मोल में। फिर मैं इसमें लास्ट में ऐड करूंगी ये पिंच ऑफ सॉल्ट, इसे मेरा केक बहुत अच्छा बनता है। और ये केक का बैटर मोल में डालने के बाद ऊपर से और ड्राई फ्रूट्स देके गार्निश कर दूंगी। अभी इसको प्री हीटेड ओवन में 175 टू 180 डिग्री में 40 टू 45 मिनट्स बेक कर दूंगी। और ये देखिए मेरा बहुत ही हेल्दी, डिलीशियस और न्यूट्रिशियस सा केक रेडी है। और जो लोग दिन भर बिजी रहते हैं उनके लिए तो ये केक बेस्ट है, जैसे ऑफिस गोइंग लेडीज, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, सभी के लिए। आई होप आप लोगों को मेरा ये केक का रेसिपी अच्छा लगा। फिर मिलूंगी एक नया व्लॉग के साथ। टेक केयर एवरीवन, बाय।